अग्नि परीक्षा से कम नहीं अमरनाथ यात्रा। पहली ही चढ़ाई में लुढ़क गए दो घोड़े और उन पर बैठे यात्री। पूरे 30 घंटे का पैदल सफर। लगातार 30 घंटे जब आप सीढ़ियां और पहाड़ की चढ़ाई चढ़ेंगे तब जाकर आप पहुंचेंगे अमरनाथ की पवित्र गुफा में। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन कम होगी और सांस कम मिलेगी, थकान बढ़ेगी। मौसम इतना अटपटा होगा कि पल में धूप, दूसरे पल बारिश और तीसरे पल बर्फबारी। यह वानगी है अमरनाथ धाम की। यहाँ हम पालगाम बेस कैंप के जरिए चढ़ने से लेकर बालटाल कैंप में उतरने तक की यात्रा का बेहद रोमांचक अनुभव आपसे साझा करने जा रहे हैं, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसके पहले पढ़िए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के CEO नितेश्वर कुमार से हुई बातचीत। कीट पैदा ना हो इसलिए तय दूरी बनाई। कुमार के मुताबिक पहली बार बाबा अमरनाथ से भक्तों की एक तय दूरी बना दी गई है, क्योंकि भीड़ से हीट पैदा होती है। हीट को रोकने के लिए ही नई व्यवस्था बनाई गई है। अब दर्शन के लिए इतनी जगह है कि बिना भीड़ के भक्त आराम से दर्शन कर निकल सकते हैं और उन्हें इंतजार भी नहीं करना पड़ता। सुबह 6 बजे आरती होने के बाद बाबा के दर्शन शुरू हो जाते हैं, जो कि शाम की आरती तक जारी रहते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल पहले दिन यानी 30 जून को 7483 भक्तों ने दर्शन किए। भक्तों को सेवाएं देने के लिए 140 लंगर लगाए गए हैं। पूरे रूट पर ही छोटे बड़े लंगर मिलते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।